हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज जो हम आपको बताने वाले हैं बीमे से रिलेटेड है। ऑलरेडी हम इसके पहले एक बीमे का वीडियो हम डाले हैं, लेकिन वो ज्यादा एरिया के लिए लगाया हुआ था, ज्यादा चिलर था और बहुत सारा उसमें पैरामीटर्स का शो कर रहा था। इसके लेकर के उसके लिए एक अलग डेस्कटॉप और एक बीमे रूम था। लेकिन यहाँ पर जो आपको हम बताने वाले हैं, इसमें एक नॉर्मल छोटा यूनिट है हमारा, दो कंप्रेसर है, एक चिलर है और उसके बाद एक एचयू है, बाकी दो हमारा प्राइमरी पंप है। उसके लिए जो कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है तो वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह। सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो है ये हमारा एचयू को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा पैनल है। पैनल बॉक्स में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। यहाँ पर एक बगल आपको दिखाता हूँ मैं नजदीक से, देखिए यहाँ पर ये हमारा एचयू लिखा हुआ है। एक बगल हैंड है और एक बगल ऑटो है, यहाँ पर बीच में ऑफ है। तो अभी अगर हमको एचयू को बंद करके कुछ काम करना है तो हम डायरेक्टली इसको ऑफ पोजीशन में लेकर के आएंगे, ये हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटो सिस्टम में जो है ये हमारा सीमेंस का बीमेस लगा हुआ है, ठीक है। ये बीमेस के जरिए हमारा ऑटो सिस्टम में सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर बीमेस के लिए कुछ अलग से उसके डिवाइस लगाए जाते हैं, अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल अगर हमको एचयू चलाना है तो उसको भी हम चला सकते हैं डायरेक्ट बीमेस को डिस्कनेक्ट करके भी। लेकिन यहाँ बीमेस से डालने से क्या है कि बहुत सारा कुछ हमको इजी प्रोसेस हो जाता है और बहुत सारा कुछ कंट्रोल हमारा इजी होता है, इसलिए यहाँ पर बीमेस का यहाँ सिस्टम लगाया हुआ है। ये एचयू का हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिप का अलार्म है, यहाँ ट्रिप अगर कुछ होता है तो उसका अलार्म आएगा। अगर एयर फ्लो अगर हमारा फेल हो जाता है उसका भी अलार्म यहाँ पर आएगा। VFD ट्रिप होता है तो वो भी आएगा। रन है इसका मतलब ये ग्रीन जल रहा है। डर्टी फिल्टर का अलार्म आएगा, रन है तो ये इसका थोड़ा लाइट खराब है इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये रन का आपका ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। अभी चिल्ड वाटर पंप देखिए, हमारा वन जो है रनिंग में है। चिल्ड वाटर पंप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा रन हो रहा है तो ये ग्रीन लाइट जल रहा है। चिल्ड वाटर पंप जो है ये हमारा ऑफ है, ये हीटर हमारा ऑफ है। ट्रिप का कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ ट्रिप का ये सब लाइट रेड जलेगा वो नहीं है। यहाँ पर जो भी है सबका ऑटो मोड में डाला हुआ है। इससे क्या है कि आप सब कुछ हमारा सिस्टम अभी सही चल रहा है। तो अब हम फाइनली आपको जो है दिखाने वाले हैं कि ये देखिए हमारा बीएमएस का डिवाइस एक लगाया हुआ है, तो इसमें आप देख सक रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन है यहाँ पे साइड में और 2 इधर में, मतलब 8 बटन टोटल है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट, ये अपना जो डिवाइस है उसका नाम है PXM20, ठीक है। और इंटर पासवर्ड, तो हम पासवर्ड डायरेक्ट डाल के इसको खोल सकते हैं। हर साइड पे आपको डिफरेंस पासवर्ड मिलेगा, ये हमारा साइड का अलग पासवर्ड है। तो हम पहले स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, तो हम रीस्टार्ट करते हैं इसको। तो रीस्टार्ट हम इसको कर दे रहे हैं, यहाँ पर पुश करेंगे बटन को, ये हमारा रीस्टार्ट मोड में चल गया। तो अभी ये निकलेगा, ये देखिए सीमेंस का हमारा ये लगा हुआ है दूसरा। फिर उसके बाद हमको अब स्टार्ट करना है, हम इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए ये हमारा साइट का नाम इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम जिस साइट पे, ये कोई भी यहाँ पर नाम हो सकता है आप जो साइट पे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो साइड में बटन है, तो जिस चीज पे हमको क्लिक करना है, जैसे अभी हम इस पे क्लिक कर दिए, अब हमको क्या है इस तरह से कुछ ऑप्शन खुलता है, बेसिक ऑपरेटर, स्टैंडर्ड ऑपरेट, फिर एक्सटेंडेड ऑपरेट, फिर कस्टमर एडमिन। तो हमको जिस चीज के लिए हमको चेक करना है उसके देखिए एरो निकला हुआ है, ठीक है। तो हमको कस्टमर एडमिन में जाना है कुछ भी चेक करने के लिए, तो कस्टमर एडमिन में हम क्लिक किए। दूसरा, जो भी पासवर्ड आपका साइट का रहेगा वो पासवर्ड में आपको कर्सर को लेकर जाना है, जैसे ए में अभी है रुका हुआ, ये बी में हो गया, अभी फिर मान लीजिए ई में आगे भाग गया, तो वापिस फिर से इसको टिपने के बाद ए में गए, बी में गए, सी में गए, ठीक है। अब सी में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यूज टू एड प्लस दबा करके, डिलीट करना है तो माइनस, ओके कन्फर्म, तो हम प्लस में इसको हम दबाएंगे, ओके प्लस दबा दिए। अब इसके बाद ये ओके का चिन्ह है, इसको हम कॉन्फर्म कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी वेलकम टू कस्टमर एडमिन। अब हमको जो भी चेक करना है, हमको आउट स्टेशन वन में हमारा जो भी डेटा है वो डाला हुआ है, तो आउट स्टेशन वन में हम जाएंगे। अब यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट का हमको चेक करना है तो वो दिखाएगा, चिलर का देखना है, प्राइमरी पंप का देखना है, जो भी देखना है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ चिलर वन को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चिलर वन पे हम क्लिक करेंगे, इसके सामने वाला जो बटन है। अभी देखिए ये हमारा कंप्रेसर टू जो है ये ऑन है, कंप्रेसर वन जो है ये भी हमारा ऑन है।
ठीक है। लेकिन ये अभी हमारा कंप्रेसर 2 जो है ऑफ हो गया, क्यों? उसका हमारा टेम्परेचर पॉइंट आ गया होगा, इसके लेकर के हमारा ये ऑफ हो गया। अभी इसके पहले आप देखा ऑन था, तो अभी ये हमारा सिस्टम अभी आपके सामने ऑफ हो गया। ये हमारा एक कंप्रेसर 1 जो है वो रनिंग है, तो हम चेक करते कैसे ऑफ हुआ, क्या रीजन है। तो ये हमारा देखिए टेम्परेचर का 8.7, ये थोड़ा अभी टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पर जो सेट पॉइंट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, कंप्रेसर 1 सेट पॉइंट ये 7.5 है और इसका ऑफ होने के लिए 6.7 है, ये 1 का, तो 1 हमारा अभी रनिंग है। और ये 2 जो सेट पॉइंट है 11.0 जब आएगा तो वो ऑन का सेट पॉइंट है, ऑफ होने के लिए 8.0 है। तो हमारा 8 आ गया था टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हमारा सिस्टम ऑफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। सेटिंग अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। अब बैक आने के लिए इसमें देखिए ESC करके लिखा हुआ है, एक एरो का निशान है, इससे आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमको मान लिया प्राइमरी पंप चेक करना है, तो प्राइमरी पंप के सामने हम बटन को क्लिक करेंगे। अभी हमको प्राइमरी पंप 1 2 दोनों हमारा ऑन दिखा रहा है, दोनों हमारा ऑन है, ओके। जो भी चेक करना है उसका प्रेशर वगैरह हम यहां से देख सकते हैं। अब बैक आना है हमको, हम बैक आ गए। अब एयर हैंडलिंग यूनिट का चेक करना है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या देख रहे हैं आप, एयर फ्लो फेल अलार्म है कि नहीं है। अगर अलार्म रहेगा तो यहाँ पर दिखाएगा फेल, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल है। फिल्टर डट्टी का वो भी नॉर्मल है। टाइम शेड्यूलर है, ये भी ऑन है। ऑटो स्टेटस ऑटो में डाला हुआ है। बाकी जो भी मतलब जितना भी इसमें है डिटेल्स, वो सब शो यहाँ पर सामने आपको करेगा। हीटर का क्या स्टेटस है वो भी देखिए, ऑफ कंडीशन में है। जो भी है पूरा 1x1 करके ये दिखाएगा। अभी देखिए हमारा रिटर्न एयर का RH कितना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो देखिए आपका 53.2 दिखा रहा है। रिटर्न एयर टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, 25 दिखा रहा है, हमारा मतलब रिटर्न आ रहा है। रिटर्न एयर टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना किए हैं हम, 21 तक हम सेट पॉइंट उसको किए हैं रिटर्न के लिए। रन स्टेटस हमारा ऑन है। सप्लाई एयर टेम्परेचर हम कितना सेट किए हैं, 15 में सेट किए हैं। वो डक्ट में सेट हो जाता है ना, तो उस हिसाब से टेम्परेचर 15 वहां रूम में नहीं मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं रिटर्न 25 आ रहा है, तो रूम में 22-23 के आसपास रहेगा। सप्लाई एयर टेम्परेचर सेट फॉर 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते। अभी इस ये दो बटन जो है ना, ये दो बटन ऊपर नीचे करने के लिए है, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सब खत्म हो गया। अभी डट का प्रेशर वगैरह सब दिखा रहा है, फिर एस्केप करके हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये छोटा डिवाइस जो सीमेंस का लगा हुआ है, आप इसको इस तरह से वर्क में ला सकते हैं आपका। अब अलार्म के लिए अगर हमको कोई अलार्म शो हो रहा है, तो जब तक हम रिसेट नहीं मारेंगे तब तक हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो हम अलार्म एंड फंक्शन में जाते हैं। देखिए तो ये हमारा जो है करंट अलार्म व्यूअर में है ना, करंट अलार्म रहेगा तो इसमें हमारा शो होगा, तभी नो एक्टिव अलार्म, कोई भी एक्टिव अभी अलार्म नहीं है। तो हम फिर से इसको हम पीछे आ जाते हैं, और उसके बाद अलार्म एंड इवेंट हिस्ट्री मतलब पहले का भी अलार्म दिखाएगा। तो ये कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है या अपना सिस्टम से हटा देता है आदमी, तो देखते हैं कि नहीं। इसमें अभी नो एंट्री, अभी कोई भी अलार्म हिस्ट्री नहीं है फिलहाल। तो इस तरह से आप अलार्म का भी चेक कर सकते हैं, लॉग आउट करके बाहर निकल सकते हैं, इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एस्केप करके निकलेंगे। देखिए अभी क्या पूछ रहा है, डू यू रियली वांट टू लॉग आउट। तो अगर आप यस करना चाहते यस कीजिए, या नो करना चाहते नो कीजिए। ऐसे भी थोड़ा टाइम के बाद अपना 20 सेकंड 15 सेकंड के बाद जो लाइट ऑफ होगा ना, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जरूरत नहीं है आपको लॉग आउट करने का। तो हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा किसी टॉपिक के साथ आपको बताएंगे किसी दूसरे फॉल्ट पे। चले फिर अपना ख्याल रखें आप।